टेबल भी लगी हुई, बढ़िया सोफे वोफे पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ बैठ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ आके। बताओ ये जो आप काम कर रहे हो इसमें नॉर्मली जो लोग काम करते चलाते उनकी सैलरी कितनी होती होगी? उनकी सैलरी है तो रूम भी वो खाना रूम सब उसका है कंपनी का। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन समर 007 व्लॉग। तो दोस्तों आज हम आए दोहा सिटी में। ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये पार्लियामेंट है यहाँ की, यहीं पे आके यहाँ के अमीर यानी प्रधानमंत्री और जो यहाँ के राजा हैं वो यहाँ बैठते हैं और लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सामने ये कॉर्निश है और ये देखिए साइकिलें लगी हुई हैं और स्कूटर लगी हुई है जो आप यहाँ पे स्कैन करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे सामने हमने देखा बहुत से भाई लोग हैं जो बोट चलाते हैं और यहाँ पे बोट चल के भाई लोग से बात करते हैं और बोट दिखाते हैं बोट कैसी होती है। और अभी रात के 3 बजे हैं, ये लोग कई बजे तक काम करते हैं, क्या ड्यूटी होती है, कहाँ के ये लोग। तो ये देखिए ये भाई लोग की बोट है जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो इस तरह की बोट है बांग्लादेश। सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। देखो एक भाई ये है, तो भाई आपसे 2-4 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ बोलिए। आपकी बोट है? हाँ। अच्छा, तो ये अभी रात कै बजे तक आप लोग चलाते हैं? काम चालू रहता है 3 बजे तक, तो नाइट ड्यूटी है तो 3 बजे तक। क्या नाम है आपका? जय। कहाँ के? इंडिया, कलकत्ता। इंडिया के? अरे मैं सोचा बांग्लादेश का कोई। जय भाई हैं अपने, देख लो जय और मोहम्मद। सबसे अच्छी बात यहाँ की यही है, यहाँ पे हम लोग इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, सही कह रहे हैं गलत? सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं। तो जय भाई बताओ आप कोलकाता कहाँ से? कोलकाता तेज बोलिए थोड़ा। कोलकाता वो आपको जयनगर मालूम है ना? जयनगर, जो जयनगर का मुआ जो फेमस है उधर से। उधर से तो भाई आपकी बोट दिखा सकते हैं अंदर से कैसी होती है? कौन सी है? अच्छा लास्ट वाली बोट बंद कर रहे हैं इसीलिए। तो ये चाहिए बंद कर रहे इधर वाले। और भी भाई लोग बैठे हैं वो बात भी करेंगे यार। कौन है, कितना बोट है वो? तुम्हारा ही है? क्या बोट है? देखो एक भाई लोग ये बैठे। सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? आराम करने आए हैं कि बोट में? मज़े लेने हैं। सलाम वालेकुम, देखो भाई पाकिस्तान के भाई हैं, कैसे हैं? ठीक है, तो मज़े ले रहे हैं। किधर चले गए भाई प्रकाश भाई? कौन सा बोट पे? वाली बोट पे मैं जा रहा हूँ। तो देखो भाई ये बोट है यहाँ पे, तो हम जाएंगे ये बोट पे प्रकाश भाई के साथ, आपको बोट दिखाएंगे और व्यू दिखाएंगे कि कितना प्यारा व्यू है। तो देखिए कुछ इस तरह का बढ़िया बना हुआ है जाने के लिए, और ये समंदर है पूरा, आप देख लीजिए व्यू, देखिए आप खाली, आप ये देखिए नीचे बिल्डिंग है, देखिए आप पूरा समंदर है। ये बोट है, तो अभी जा रहे हैं अंदर और चल के भाई से बात करेंगे और आपको भाई की बोट दिखाते हैं। और अब आ चुके हैं बोट के अंदर। फ्राइडे को दिन में यहाँ पे बहुत कस्टमर आते हैं, तो कुछ इस तरह की बोट है भाई। बोट देखिए आप, ये व्यू है और लकड़ी की बोट है पूरी। और ये देखिए यहाँ पे सिस्टम भी लगा हुआ है भाई, डीजे भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे डीजे भी लगा हुआ है, ये देखिए डीजे बजाते भी है। और ये क्या है भाई, टॉयलेट भी है और यहाँ से चलाते हैं। टेबल भी लगी हुई है, बढ़िया सोफे वोफे पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ बैठ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ आके। और यहाँ पे आवाज़ बहुत आ रही है जनरेटर की, तो अभी चल के इधर थोड़ा आएंगे भाई से बात करेंगे। तो भाई ये बताओ अभी आपको कितना टाइम हो गया कतर में? मेरा 3 साल। 3 साल हो गया? अच्छा, तो 3 साल पहले आए थे आप इसी काम में आए थे, कोई और काम में आए थे? नहीं, एक्चुअली मैं आया था इधर ड्राइविंग के लिए। अच्छा, ये हमारा वो डैडी का कपिल का है। अच्छा, तुम्हारा डैडी कपिल का, वो लास्ट में जो है वो मेरा अंकल का है। अच्छा, तो इसीलिए हम इधर अभी स्कूल में तो भर्ती हो गया। हाँ, इधर तो वो ड्राइविंग का काम चलता है, लेकिन उसी टाइम से मैं इधर फ्री हूँ इसलिए इधर काम करता है। अच्छा चलो बढ़िया, तो आपको तैरना वरना आता है भाई? हाँ, सब आता है। तो भाई ये बताओ जो भी यहाँ पे बोट चलाता है कि हम भी चला सकते हैं कि इसका कुछ लाइसेंस ऐसा नहीं? नहीं नहीं, आप नहीं चला सकते। आप चला सकते हैं लेकिन वो जो बोट का आदमी होना चाहिए इधर। अच्छा, लाइसेंस तो लाजिम लगता है। मेरा भी चाहिए, अगर मैं जो चलाएगा उसका लाइसेंस चाहिए। नहीं तो बाहर जो सूरत है वो पकड़ लेगा, उसमें बहुत मुश्किल है। अच्छा अच्छा, लाइसेंस तो हर चीज़ का होता है समंदर में चलाना। तो इसमें जो लोग रहते हैं उनको तैरना भी आता है? हाँ, उसको स्विमिंग के साथ लाइसेंस देता है। स्विमिंग उसको जैसे मान लो कोई आदमी गिर गया पानी भी वो अंदर चला गया, उसको कैसे बचाना वो सीखा के उसके बाद उसको लाइसेंस देते हैं। अच्छा, तो भाई ये बताओ जैसे ये आपकी बोट है कितने आदमी इसमें बैठ जाते हैं? इसमें 25 आदमी। तो और ये किस तरह से चलती है, मतलब इसका रेंट क्या होता है अगर कोई आना चाहता है फैमिली के साथ?
तो पर्सन के हिसाब से लेते हैं कि बोर्ड के हिसाब से? शेयरिंग में जाता हूँ तो तब वो एक आदमी का 25 कर जाता है। इधर आओ, थोड़ा व्यू अच्छा आएगा। अगर शेयरिंग में जाएंगे तो एक आदमी का 25 रियाल आएगा। और अगर पूरा बोर्ड बुक करेंगे तो? पूरा बोर्ड बुक करना तो आपको कितना, आपको 25 आदमी का नीचे होना चाहिए, ऊपर होगा तो हम बुक नहीं करेगा। नहीं बुक करा है, जैसे भी हम 5 लोग हैं अपनी फैमिली के साथ हैं और हम अकेले जाना चाहते हैं, तो आप वो टाइमिंग कैसा कितना है? आप 20 मिनट जाते तो आपको 100 रियाल आएगा। अच्छा ठीक है, वो हाफ एन आवर, आप आधा घंटा जाते तो 150 आएगा, 150। अच्छा एक घंटा जाएगा तो 250। आप जितना टाइम ज़्यादा लोगे उतना थोड़ा कमती होगा प्राइस। अच्छा, इसमें सर्विस क्या क्या दोगे आप? सर्विस बस वाटर है, वाटर और कुछ नहीं, पानी भी देते हैं आप लोग। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जब फ्राइडे को हम देखते हैं तो 10-10 रियाल में भी लोग बैठा लेते हैं। फ्राइडे में क्या होता है, वो आदमी बहुत ज़्यादा रहता है, लगातार चलती रहती है, इसलिए फ्राइडे में आदमी वो बराबर रहता है। 25 आदमी रहेगा तो वो एक चक्कर 20 मिनट घुमाता है, उसमें कितना आता है, कम से कम आपको 200 आ जाता है। अच्छा, सही है, बिजनेस है, क्योंकि जब आदमी ज़्यादा होंगे तो जल्दी से जाना आना लगा रहता है, बिजी रहता है। तो अभी काम हम कैसा चल रहा है? अभी सही है, लेकिन थोड़ा गर्मी है। अच्छा, इसलिए कस्टमर कम थे। अच्छा, ये कहाँ तक लेके जाते हो, मतलब ये बोर्ड जो टावर है वहाँ तक कितने मिनट में जाएगी? ग्राउंड में देखो, वो लाइट बंद हो गया उधर। हाँ। एक रिंग दिख रहा है कहाँ पे? हाँ, वो जो टावर दिख रहा है, टावर रिंग। अच्छा रिंग है, हाँ एक रिंग है वहाँ पे, फीफा का टाइम का। हाँ 20 मिनट का है। अच्छा, आपको पूरा बिल्डिंग के नज़दीक में जाना है तो आपको आधा घंटा के लिए लेना पड़ेगा। आधा घंटा जाने का, आधा घंटा 15 मिनट जाने का, 15 मिनट आने का, 15 मिनट जाने का, 15 मिनट आने का। तो ये 24 आवर सर्विस रहती है यहाँ पे? नहीं, 24 आवर तो अभी गर्मी के मौसम में नहीं है, लेकिन ठंडी के मौसम में वो 2 शिफ्ट चलते हैं। अच्छा, 4 आदमी ड्यूटी करते हैं, 2 दिन में 2 रात में। क्या टाइमिंग है अभी इसकी, अगर कोई जाना? अभी गर्मी का मौसम में आपको 4 बजे से स्टार्ट है। अच्छा, 4 बजे से अभी 3 बजे तक, 4 बजे तक आदमी रहते हैं सुबह का, और ठंडी का मौसम में वो सुबह 8 बजे से चलता है। अच्छा, कोई इंडियन है या कोई और भी लोग आ गए जैसे फैमिली, तो उनको क्या डिस्काउंट भी हो जाता है? चलो थोड़ा दूर तक घुमा देता है, जैसे तो मतलब कितना एक बता दो, अगर कोई आना चाहता है फैमिली, जैसे मान लो फैमिली, दो फैमिली आए हैं, उसको दो फैमिली में कोई कोई बोलता हम प्राइवेट में जाएगा, लेकिन फिर भी हम जो गवर्नमेंट का जो प्राइस है उसी से लेगा तो थोड़ा कस्टमर नहीं आएगा कभी। अच्छा, उसको मिला के जुला के थोड़ा लेना पड़ेगा, एडजस्ट कर लेते हैं आपस में, वही है ना कि आ जाओ भाई तुम भी, शेयरिंग कर लिया। कभी 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 आधा घंटे के लिए कोई जाता है थोड़ा, उसको थोड़ा ज़्यादा घुमा देता है, क्योंकि कस्टमर एक ही बार आएगा। हाँ, बार बार नहीं। आधा घंटे कितना था? 100 रियाल? नहीं, आधा घंटे एक फैमिली है, 4-5 लोग, 150 का डिस्काउंट करके। डिस्काउंट करके आपका, आप आपका वीडियो देख के जो आएगा वो 120 रियाल आएगा, वो उसको उसमें 35 मिनट का घुमा देगा। अच्छा, डिस्काउंट भी कर दिया, टाइम भी 5 मिनट भी बढ़ा दिया। चलो ठीक है, ये प्रकाश भाई हैं तो अच्छा होता है। ये जो आप काम कर रहे हो, इसमें नॉर्मली जो लोग काम करते चलाते उनकी सैलरी कितनी होती होगी? उनको सैलरी है तेज बोलो, 1800 रियाल। 1800 खाना पीना? खाना पीना वो उसके साथ ही है, उसके साथ नहीं है, 1800 में। और रूम? रूम भी वो खाना रूम सब उसका है, कंपनी का? कंपनी का नहीं है, वो खुद का। नहीं, खुद का ही 1800 सैलरी है जो चलाता है उसको। हाँ। लाइसेंस अपने पास से निकालना नहीं, पड़ता है? वो तो बिल निकाल देगा। अच्छा, तो रहना खाना पीना, तो कितना बच जाता है यार उसको? भैया जो व्यवस्था वही है, बाकी कुछ टिप भी मिल गया कुछ अपना, जो टिप्स वगैरह मिलते वही हमारे पास रहता है, वही मेन है, जो अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बाकी तो डेली यहाँ पे कोई आता नहीं होगा। वो जो फ्राइडे में जो आता है उसमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे रात आदमी मिलता होगा जो फैमिली वाले आते हैं, फॉरेनर भी आते हैं? हाँ आते हैं। अच्छा चलो, बहुत अच्छा लगा प्रकाश भाई अपने इंडिया के, बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके। भाई की बोट दिखाई है, बोट कई तरह की होती है, ये जो बोट है ये सिंगल फ्लोर की है खाली, ये नीचे नीचे, नॉन एसी है, और एसी भी है, लकड़ी वाली है। इसमें एक इसी टाइप की आती है, इसके ऊपर भी होता है ना, नीचे भी रूम भी है। हाँ, नीचे रूम भी होता है, इसके नीचे रूम होगा? नहीं, वो अलग है, वो बाहर है। हाँ, इधर नहीं है वो। अच्छा, पार्किंग अलग। एक टाइम बता दो क्या हुआ, हमने 3 बजे बताया था, हो गया 3:02 हो रहे, अंदाजा बताया था। तो प्रकाश भाई, मैंने आपकी बोट दिखाई, बहुत अच्छा लगा। और कतर की नाइट कैसी होती है यहाँ पे? सब मस्त है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है, कैसे भी घूमो फिरो इन्जॉय करो, चाहे लड़की आए चाहे कोई भी आए, तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा फालतू बात नहीं है, सेफ्टी से काम करना है, सही है ना? कोई कंप्लेन नहीं, सही है ना? और एक चीज़ और, जहाँ का जैसा सिस्टम होता है वहाँ के हिसाब से लोग चलते हैं, यहाँ का सिस्टम सीधा है, तो इंडियन हो पाकिस्तानी हो नेपाली, वो सीधे ही चलते हैं, रिस्पेक्ट करके। जिस देश का रूल है वैसे रूल से चलना, और ऐसे ही चलने में पड़ते हैं, वही है, रूल से चलेगा तो सही है। तो देखिए भाई, अब हम जा रहे हैं बाहर, और ये बोट थी मैंने आपको दिखाया, और भाई से बात भी कर ली है पूरी, और कुछ इस तरह का व्यू है, देख लीजिए, ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये देखिए भाई लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये देखिए बोट रुकी हुई है,
अभी ज़्यादातर बोट बंद हो चुकी है, बट कुछ बोट चालू हैं और वहाँ तक लेके जाते हैं जो टावर दिख रहा है वो तारे 35-40 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके बाय।